सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर रही दिशा सालियान। दिशा सालियान जिसका 8 जून 2020 को निधन हुआ था, ठीक 5 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर आ गई थी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन की जब खबर सामने आई थी तो उसके बाद सुशांत और दिशा के निधन के केस को जोड़ने की बातें भी सामने आ रही थी और दिशा सालियान के निधन के बाद से ही फरार चल रहा था दिशा सालियान का फियांसी, या यूं कहे कि दिशा सालियान का मंगेतर रोहन रॉय। ऐसे में रोहन रॉय से जुड़ी एक वीडियो, एक तस्वीर सामने आई है जहां पर रोहन रॉय किसी की शादी में झूमता नाचता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही गाना गाता हुआ भी। इन तीन तस्वीरों को दिशा सालियान यूनिवर्स के पेज पर शेयर किया गया है और इस तस्वीर में एक तरफ हल्दी लगाते हुए नजर आ रहे हैं रोहन रॉय दूल्हे को और दूसरी तस्वीर में रोहन रॉय दूल्हा और दुल्हन के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर आ रहे हैं और तीसरी तस्वीर में रोहन रॉय नाचते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि ये एक म्यूजिक एल्बम की वीडियो है जिनकी कुछ तस्वीरें यहाँ पर शेयर की है। इस वीडियो को हंगामा म्यूजिक की तरफ से स्ट्रीम किया गया था। बता दें कि इस पर रोहन रॉय ने रेसो ऐप को लेकर ऐड भी दी थी और कहा था कि रेसो ऐप पर भी ये गाना अब आप बजा कर देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कुछ लोगों ने लिखा है कि ये तस्वीरें तब की है जब दिशा सालियान का निधन हुआ था और दिसंबर 2020 में दिशा सालियान का बॉयफ्रेंड रोहन रॉय इस तरीके से नाचता हुआ दोस्त की शादी में पहुंचा था। यही असली मास्टरमाइंड है जिसने दिशा सालियान के केस से जुड़े सच को अभी तक छिपा कर रखा है। नेक्स्ट एंड लाइफ से रश्मि की रिपोर्ट।